उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के मन में योगी का खौफ चल रहा है। माफिया हो, डॉन हो या गैंगस्टर, योगी की हिटलिस्ट में सबका नंबर है और सीएम योगी अपराधियों का चुन चुनकर हिसाब कर रहे हैं और इसका सबूत योगी एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी आई है जो बताती है कि 2 साल में 3000 करोड़ रुपए की माफिया संपत्ति को कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। इसके डिटेल आपको आगे देंगे, लेकिन पहले योगी के ऑपरेशन एम यानी ऑपरेशन माफिया की फुल स्पीड रील देख लीजिए। आज ये संपत्तियां जो जिनकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है वो कुर्क की जा रही है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपराधी अपराधी और अपराधी जो भी होगा, सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। सरकार ने काम कर दिया। आज हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। ईमानदार सरकार होगी तो भाइयों बहनों विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। बुलडोजर की ताकत क्या होती है? मऊ के अंदर आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालते ही एक कसम ली थी, यूपी में अपराधियों की सत्ता को वो जमीन से उखाड़ देंगे। और ये बात सच है कि जब से योगी यूपी के सीएम बने हैं तब से इन माफियाओं का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि योगी की पुलिस हो या बुलडोजर, सबका टारगेट एक है, गैंगस्टर। इसका सबूत है एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक यूपी में पिछले 2 साल में अपराधियों की 3000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर एक्शन हो चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा यूपी के ऐसे 64 गैंगस्टर हैं जिनकी संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर बुलडोजर से गिरा दी गई। जिस तरह से पुलिस का एक्शन चल रहा है उससे इतना क्लियर है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद हिट लिस्ट में हैं। अभी तक अतीक अहमद की 1168 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जबकि डॉन मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। इसके अलावा यूपी में 2827 करोड़ की जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। तो दिन हो या फिर रात, लखनऊ हो या फिर मेरठ, योगी की पुलिस और प्रशासन का मैराथन एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। तो जिन गैंगस्टर पर यूपी पुलिस ने पिछले 2 सालों में सरकारी हंटर चलाया है आज उनकी कुंडली भी हमने खंगाली है। योगी राज में इनकी कुंडली के एक एक गुनाहों का हिसाब किया जा रहा है। इनमें एक नाम है माफिया अतीक अहमद का, जिसके नाम से कभी पूरा पूर्वांचल कांपता था, लेकिन आज अतीक और उसका पूरा परिवार योगी के नाम से कांपता है। अतीक अहमद 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रह चुका है, उस पर 163 केस दर्ज हैं। अभी वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी तरह बाहुबली मुख्तार अंसारी का आतंक पूर्वांचल से वेस्ट यूपी तक हुआ करता था, लेकिन अब मुख्तार जैसे कई माफियाओं की हेकड़ी योगी राज में हवा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी मऊ की सदर सीट से 5 बार विधायक भी रहा है, इस पर भी 56 मुकदमे दर्ज हैं और ये अभी बांदा जेल में बंद है। जिन लोगों की संपत्ति को यूपी पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया उनमें बाहुबली विजय मिश्रा का भी नाम है, जो भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहा है, जिस पर 70 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। इस लिस्ट में डॉन सुशील मूच का नाम भी है, जो कभी लंगड़ा और प्रधान जी के नाम से कुख्यात रहा है, इस पर हत्या के 12 मुकदमे दर्ज हैं। बदन सिंह बद्दो जो मेरठ का कुख्यात डॉन है, इसके जुर्म की दुनिया में एकदम फिल्मी स्टाइल में इसने कदम रखा और ट्रक ड्राइवर से एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। बदन सिंह बद्दो पर भी 40 से अधिक मामले दर्ज हैं।